फ़खरी टीवी की जानिब से देखने वाले तमाम सामाइन को फ़खरी टीवी का सलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ यानी कि बॉल के बारे में। ये बॉल कैसे बनती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और ये कितनी मेहनत और लगन के बाद बनकर सामने आती है, आज आपको इसकी हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं। आइए आप भी देखें, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को तो हरगिज मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो हम आप तक लाते रहते हैं। देखने में सबसे छोटी लेकिन ये क्रिकेट बॉल इतनी मुश्किल और मुश्किल तरीन मराहल से गुजरकर बनती है जिसके बारे में हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए आप भी देखें कि कैसे इस क्रिकेट बॉल को बनाया जाता है, इस पर कितनी मेहनत आती है और ये कितने मराहल से गुजरकर सामने आती है जिस पर हम चौकों और छक्कों की बारिश करते रहते हैं। इस क्रिकेट बॉल के लिए जो चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ खास ही किस्म का होता है जो इस क्रिकेट बॉल को काफ़ी ही शानदार बनाता है। इस क्रिकेट बॉल के लिए आप जो चमड़ा देख रहे हैं ये ख़ास किस्म का स्पेशल चमड़ा होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बॉल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें इसके बाद इस चमड़े को सिलाई किया जाता है। इस चमड़े को सिलाई के बाद इसमें छोटी सी एक हार्ड बॉल को रख कर फिर इसको सिलाई किया जाता है, इसकी प्रेसिंग की जाती है। इसके बाद ये काफ़ी ऐसे मराहल से गुजर कर ये क्रिकेट बॉल तैयार होती है और इतनी मुनफरद और इतनी दिलकश होती है कि देखने वाला तो कहता है कि मैं इसको चौके और छक्कों से परमार कर दूँ, लेकिन ऐसा तो कोई आपको बॉलर नहीं करने देता। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप तक लाते रहते हैं। आइए आप भी देखिए इस प्रोसीजर को और मिस मत कीजिएगा किसी भी पार्ट को।